हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलिब्रिटी स्पीक्स। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। जिस तरह से इस सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी और इंकरेजमेंट मिल रहा है कि मैं इस सीरीज को और आगे बनाऊं और उन लोगों को लेकर आऊं जो कि हमको जानते हैं, इंडस्ट्री को जानते हैं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। अभी हाल ही में फिल्म आने वाली है एकता, और उसमें नासिर बहुत अच्छा करेक्टर प्ले करने वाले हैं। इनको आपने टीवी में देखा है, इनको आपने फिल्मों में देखा है, और सबसे बड़ी बात, ये लीजेंड द ग्रेट जॉनी वॉकर जी के बेटे हैं। तो आइए मिलते हैं नासिर से। Hi, this is Nasir Khan and welcome to Join Films. तू मेरा पीछा नहीं छोड़ी तू। कहा था ना surprises. Hi. Yeah, मजा आ गया. ये Bruce Lee. Ooh. ये Jackie Chan. Ew. ये Shahrukh Khan. Cool. ये Salman Khan. अबे ये क्या था? जा, नहीं खेलना मुझे तेरे साथ। खामखा हथौड़े जैसा हाथ मार दिया, धर्मेंद्र टाइप। सॉरी यार, सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, देने तक 100 का नोट दे। चंदर, अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देख, कॉलर आईडी। अब तेरी ड्रीम गर्ल फोन करेगी तो उसका नंबर इस पे आएगा और वो पकड़ी जाएगी। अरे वाह, क्या आईडिया है यार। जा, निकाल 2000 रुपए दे। अब छोड़ो ना रोहित भैया, सब जानते हैं कि शाखा प्रमुख अज्जू भैया मॉम के सबसे फेवरेट हैं। आप फिलहाल पानी से काम चलाइए और जिससे जो हेल्प हो सके वो कर दे। ये क्या कह रही हो भाभी? डैड और हेल्प, ही'ल नेवर एक्सेप्ट। भैया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो कुत्तों को मैं इतने शौक से लेकर आया था ना, वो आज पता नहीं कहीं भाग गए। आप बताइए मैं क्या करूं, मॉम डैड को इन्फॉर्म करूं या? बहुत हो गया, और कितना इंतजार करें? जब आना होगा आ जाएंगे। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो वेलकम नासिर, जॉइन फिल्म्स में आपका स्वागत है। ओके, तो ये जो फिल्म आ रही है एकता, इसमें प्रोमो देखा, बड़ा अच्छा प्रोमिसिंग प्रोमो लग रहा है, और उसमें आपका करेक्टर कुछ समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। क्या करेक्टर है ये? आई थिंक मेरे कैरेक्टर को इस फिल्म में समझने के लिए पहले लोगों को फिल्म देखनी पड़ेगी। राइट, एंड आई एम श्योर कि फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ये कैरेक्टर समझ में तो आएगा, पर पसंद नहीं है। ओके, तो इस कैरेक्टर की खासियत ये है कि पसंद ना आए कैरेक्टर। हाँ, जैसे मेरे कुछ पिछले कुछ और कैरेक्टर्स थे जो लोगों को पसंद नहीं आए थे, बट आई थिंक ये जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, बिकॉज ये एक होता ना कि नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ये नेगेटिव नहीं, ये गंदा आदमी। तो ही इज नॉट, मतलब मुझे भी ये कैरेक्टर करने के लिए, उसकी मेंटालिटी में घुसने के लिए, मुझे भी एज ए नासिर, एज ए फादर, एज ए इंसान, थोड़ा टाइम लगा के जो हम अखबार में पढ़ते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं। ओके, मतलब आजकल दिखे नहीं है लेकिन पता है कि ऐसा चलता है कभी। हाँ, जो हम जो पेपर में पढ़ते हैं कि यार ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। तो ही इज, ये जो नागभूषण का जो कैरेक्टर, ये उस टाइप का आदमी, एक्सट्रीम लेवल पर है। एक्सट्रीम लेवल पर है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तो मुझे वो करने के लिए, एक तो मुझे बहुत वेट पुट ऑन करना पड़ा, बिकॉज वो कुछ 25-30 से लेके 60-65 तक का एज ब्रैकेट है। हाँ, तो पहले मैंने वेट पुट ऑन किया, मैंने दाढ़ी रखी, मैंने अपने बाल कलर नहीं किया, तो जो पूरा मेरा लुक है वो कुछ एक 60-year-old आदमी का है। इनफैक्ट पूरा जो कैरेक्टर था मैंने उसको वैसे डिजाइन किया था कि इसको देख के ही लोगों को घिन आनी चाहिए। तो मैं ना डियो लगाता था, मैं ना परफ्यूम लगाता था सेट पे। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं नहा के सेट पे नहीं जाऊँ। ओके, बाल मेरे गंदे होते थे। मैंने मेकअप नहीं किया था, बट मैं क्या करता था, मैं ऑयल है ना, ऑयल फेस पे पूरा ऐसे, गले पे पूरा ऐसा ऑयल मिलता था। एंड बिकॉज हम एल्बम में शूटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी कड़कती धूप थी, तो मैं अपना वो पूरा कपड़ा पहन के मैं धूप में ना चक्कर लगा लिया, चक्कर काटा था, तो जो सनबर्न हो गया, सॉरी, मैं वो काजल को ऑयल में मिक्स करता था। मतलब इसकी तैयारी ऐसी करनी थी कि कितना गंदा लग सकता है। हाँ, गंदी तैयारी। मैं काजल को ना ऐसे ऑयल में मिक्स करके, आई टू पुट ऑल द काजल ऑयल लाइक दिस, और फिर मैं धूप में चलता था, तो जो पसीने से जो ये नेचुरल जो स्किन से जो पोर्स है या जो ये जो सारी चीजें ना लकीरें हैं उसमें जो है ना वो काजल और एनहांस कर रहा था, ऑल फिट इन। राइट राइट राइट। एंड देन व्हेन आई टू कम, तो मैं दिखता भी गंदा, तो आप अगर प्रोमो देखोगे या मेरी आवाज सुनोगे उसमें मैंने आवाज में थोड़ी चेंज की है, बिकॉज वो थोड़ा गंदा सा है, उस टाइप का स्क्रीचीनेस मैंने डबिंग के दौरान अपनी आवाज में लाई थी, बिकॉज वो एक
ऐसे लोग होते हैं हाँ? जिनको हम एज अ मर्द शायद रिलेट ना करें, बट लेडी जो है, औरतें जो है, जो नजर होती है उसको फेस करते हैं, यू नो, कि जो आपको किस तरीके से एक आदमी देख रहा है, तो औरतें बेहतर पहचानती है इस आदमी की नजरें गलती है। राइट राइट। तो मेरे लिए वो बनाना बहुत जरूरी था कि जो अवनीत हो या नवनीत हो, जो दो लड़कियां हैं इस फिल्म में जो एकता का रोल कर रही है, फॉर देम, कि जब वो इसको घिन आने वाली बात है और वही ऑडियंस को भी रिफ्लेक्ट करेगा। करेक्ट। एंड जो हमने ट्रायल रखी है तो लोगों ने वही अकेले कहा यार बड़े गंदे एक्टर हैं। तो इनफैक्ट मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट है। बट देखिए, जब इसमें एक अच्छी बात निकल गया, जब स्क्रिप्ट आपको मिलती है तब से उसका स्केच बनना शुरू होता है कि करेक्टर ऐसा पोर्ट्रेट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा। तब इसमें एज एन एक्टर आपके इनपुट्स इतने सारे खुद के थे? हाँ, बता रहा हूँ ना, मैंने सुमन से कहा था कि डायरेक्टर है हमारा, मैंने कहा था ऐसे लेट मी डिजाइन दिस कैरेक्टर, आपने मुझे बता दिया कि ये नेगेटिव है, ये इस टाइप का है, अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है, फिर आगे चल के वैसा करता है, तो सिर्फ मुझे अब इस पर वर्क करने दो। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि वो कपड़े कैसे पहनेगा, तो आई ऑप्टेड फॉर अ सफारी सूट, टिपिकल सफारी सूट होते हैं। हालांकि फिर मैंने बाल थोड़े लंबे रखा, कलर बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने, एक दो महीना बाल कलर करा, दाढ़ी रखा मैंने ताकि वो फुल, यू नो, ऐसे मुझे गेटअप नहीं चाहिए, मुझे कुछ हिसाब के हम आपको लुक देंगे वाइट हेयर, ऐसे नो, ऐसे जो है वो नेचुरल होना चाहिए, बिकॉज अब वो मैं डॉन्ग हूँ एंड बैड मैन वाला जमाना नहीं रहा, यू नो, पीपल वॉन्ट टू सी रियल एक्टर्स, रियल कैरेक्टर्स, ना के आपने चेचक के दाग लगा दिए या लंबी विग रख के आप ऐसी उस टाइम लाउड करते थी, वो अपना दौर था। अब एक नया दौर आया है, तो हम तो उस दौर के, हमारे तो आइकॉन्स वो हैं, हम तो, यू नो, मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, हम तो उस टाइप के, हम तो वही निकलता है विल नहीं करो तो, बट अभी टाइम चेंज हो गया है, तो हमको भी थोड़ी सोच चेंज करनी पड़ेगी कि आज के ऑडियंस को किस टाइप की विलन चाहिए। तो जब आपने पहली बार उनको बताया, डायरेक्टर को, सुमन को, कि देखो मैंने ऐसा तैयार किया है, तो क्या रिएक्शन था? मैंने किसी को नहीं बताया, मैं शूटिंग पे गया, ये लोग, वो प्रणीति है हमारी फिल्म में जो इंस्पेक्टर का रोल कर रही है, उसका कुछ एक सीन चल रहा था एलएपी के रिसॉर्ट में, मैं अंदर गया, मैंने कपड़े कहा, मैंने कपड़े लिया, मैंने मेकअप लिया, मैंने पूरी अपनी चाल चेंज की इस फिल्म में, आई एम वॉकिंग ऑल्सो, थोड़ा सा एक लिंप लिया है। तो मैं जब गेटअप में आया और मैं सेट पे घूमा था, मुझे किसी ने पहचाना भी नहीं कि ये नासिर आया है सेट, बिकॉज उस गेटअप में विद द बियर्ड विद द वाइट हेयर मुझे किसी ने देखा ही नहीं था। मैं सीधा फ्लाइट से पकड़ के सेट पे पहुंचा, रूम में गया, सफारी सूट एंड वो कैनवस के जूते, केड्स, जो फेक ब्रांडेड जूते होते हैं, वो जूता पहना हूँ मैंने, एंड चश्मा, मैंने एक आई सेट के ये एक रीडिंग ग्लासेस पहने का, तो रीडिंग ग्लासेस को लेकर मैंने टेढ़ा कर दिया था। ओके, यू नो, तो वो बहुत सारे इनपुट्स हैं। हाँ, बिकॉज ऐसे लोग कभी नई चीज लेंगे, डजंट हैव टू बी न्यू, उसका मैंने लेंसेज थोड़ा धस दिया था, उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो जब वो, देखो जब मैं आपको ऐसे देखता हूँ तो ठीक लगता है, लेकिन जब मैं किसी औरत को आप ऐसे देखता हूँ, ओके, तो लुक अलग है, तो एक आपको एक लुक अलग ही, जो एक अलग लुक मिल जाता है ना, तो इट्स इट्स ऑल इन द आईज, तो ऐसे तो कोई आदमी बैठेगा नहीं, यू नो, ऐसे तो कोई आदमी बैठेगा नहीं, लेकिन अगर आपकी रीडिंग क्लासेज है, तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो नेचुरल रिएक्शन ही होता ना। ओके, ये कैमरा एक्टिंग भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विनोद खन्ना ने किया था, मेरा गांव मेरा दुश्मन, मेरा गांव मेरा देश, जिसमें उसने नेगेटिव करेक्टर किया था। सो यू सी, सो व्हेन आर दशरथ सिंह, सो दीस एक्टर्स, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, इन्होंने जो नेगेटिव रोल्स किए हां अपने टाइम में, जो गब्बर सिंह का जो है, अमजद खान का जो लुक है, सी अमजद खान अगेन इन शोले, गब्बर सिंह किसी को नहीं मारता है, हां किसी को नहीं मारता, सिर्फ एक मकोड़े को मारता है, राइट, और वही सबसे खतरनाक लगता है, वही सबसे खतरनाक, बिकॉज उसके जो दांत, वो काले, एक लुक, बाल गंदे, वो एक निकला हुआ हमारे लिए तो स्कूल ये है, हमारा तो ये इंस्टीट्यूशन है, तो लेकिन वो 1975 था, वो 1982 था, ये 2017 है, तो फिल्म मेकिंग चेंज नहीं हुए, कैरेक्टर्स चेंज नहीं हुए, लेकिन करने की एक स्टाइल, हाँ, वो थोड़ी सी चेंज हुई, राइट। तो सिर्फ मेरे को जब से याद है मैंने आपको देखा है, तो बहुत सारे कॉमेडी रोल्स में देखा, ठीक है, अब कॉमेडी भी आपने की, अलग अलग शेड्स के रोल भी किए, हम नेगेटिव भी कर रहे हैं, एक्चुअली आप किस तरह से अपने एक्टिंग में एक्सप्लोर करना चाहते हैं?
सी आई थिंक आप भी हो, आपको भी कभी कभी गुस्सा आता है. हाँ. अगर आप शादी हो गई है. हाँ, हाँ. आप तो बीवी के लिए सबसे बड़े विलेन तो आप ही हो. करेक्ट. हाँ. right. तो बच्चों के लिए सबसे बड़े कॉमेडियन आप हो. हाँ. तो आप भी जिंदगी में कॉमेडी करते हो. राइट. विलेन ही करते हो. तो ये जो इमोशंस है ये हम सब की, जो भी है, जो भी इंसान है, हम सब में हर टाइप की इमोशंस होते हैं पैदाइश से. किसी के कुछ ज्यादा होते हैं, किसी कुछ कम होते हैं, लेकिन होते सभी सब है, सब शेड्स हैं. सो इट्स जस्ट अबाउट पिकिंग दैट वन अप. एंड जैसे मैंने कहा ना कि मैं जिन फिल्मों में बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूँ, तो हम तो बचपन से प्यासा देखो ये क्या पिक्चर है, पका रहे हैं, चल रहा है, चल रहा है, कागज की फिल्म कौन देखेगा यार, इतना डिप्रेशन आदमी रो रहा है दिन भर, देवदास उफ डैडी बंद करो, कितना पिएगा वो, हो गया अभी इनफ. मतलब जो क्लासिक है वो भी हमारे लिए नहीं थी. आजम तो हम छोटे थे तो हम ये फिल्में देखते थे बिकॉज तब इनसे नफरत होती थी. पका रहे यार, चलो ना दिल पंकल हो गया ना, आगे बढ़ो ना जल्दी जल्दी बोलो. इट वाज दैट. लेकिन जैसे जैसे एज थोड़ी बड़ी, समझ थोड़ी बड़ी, तो समझ में आया और अब एहसास होता है, अब रियलाइज होता है कि नहीं यार ये जो था ये पूरा फाउंडेशन है, ये पूरा बेस है. ये जो एक्टर्स हैं, प्राण साहब देख लो मधुमति में, यू नो इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम लुकिंग विलेन, लेकिन खौफ उनके चेहरे पे, यू नो. सो ऑल दिस पीपल, दिलीप अंकल फॉर दैट मैटर, ऑल दिस एक्टर्स. सो नाउ यू सी कागज के फूल, नाउ यू सी प्यासा. अब मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ कि बेटा सी दिस, दिस इज द मूवी, दिस इज हाउ स्कूल है, ये स्कूल है, यही है, बाकी और कुछ नहीं. हम और हम, आप, मैं, जितने भी है, कोई भी नहीं, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो सलमान हो, कटरीना के, एनी बिगेस्ट स्टार, नोबडी इज एनीथिंग कंपेयर्ड टू देम, बिकॉज ये लोग भी वहीं से आए हैं, वहीं से, वही ऐसे इन्होंने अपना मकाम बनाया है. यू नो टुडे सलमान इज देयर, शाहरुख इज देयर, आमिर इज देयर, दे ऑल एक्सीलेंट, ऑल ग्रेट. बट व्हेन यू आस्क देम कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो देवानंद होगा, दिलीप कुमार होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा, क्योंकि पहले का तो हमको पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही. और वहीं से एक ऑरा शुरू हुआ था, एक इंप्रेशन शुरू हुआ था. अच्छा, आपने ना सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया, क्योंकि जिस जनरेशन में आए हैं वहां बड़ी जल्दी. रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया. रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया है. अच्छा, नंबर 4 अब गाड़ी नंबर 2 पे आएंगे. ओके. लेकिन इस दौर में ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुआ, जैसे सैटेलाइट टीवी आया, दूरदर्शन था, और उसके बाद फिल्म्स भी हैं, फिल्म्स भी बहुत तरह से बदल गई हैं पहले के मुकाबले. और अभी आपने मुझे बताया कि आप बस रेडियो में और काम करना चाहते हैं. हाँ, तो बढ़िया है. तो अब क्या कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी बड़ी है वो नए लोगों के लिए कितनी अच्छी है? नहीं, बहुत अच्छी है नए लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी है. मैं तो अपने आप को खुद ये नहीं मानता कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ. मैं आज भी ये मान के चलता हूँ नहीं, ये मेरा पहला शो है, ये मेरी पहली फिल्म है, ये मेरा पहला प्ले है. एंड मेरा जो एटीट्यूड है और मेरा जो नेचर है, मैं आपसे नहीं सीखूंगा. आई फील कि यू आर अबाउट माई एज, सो आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग सेम होगी. तो मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा आपसे जो मुझे ऑलरेडी नहीं पता? तो आई लर्न फ्रॉम, मैं इससे सीखूंगा, जो यंग बॉयज, जो यंग गर्ल्स है, बिकॉज वो एक नई सोच लेकर आते हैं. हमको पसंद नहीं होगी मतलब वो अच्छी है. ओके. वो आज की है और वो कल की होगी, और वो एक्सेप्टेबल, और वो एक्सेप्टेबल है. तो एज अ नासिर, अगर मुझे और 20 साल एज एन एक्टर सर्वाइव करना है, तो मैं जो 20 साल पहले फिल्में देख चुका हूँ, मैं उनको लेके नहीं चल सकता. तो जो आने वाली जनरेशन है, जो यंग बॉयज, जब मैं काम करता हूँ, आई सी, तो सर आप क्या देख रहे हो हमको, ऐसे मैं सीख रहा हूँ, सर आप कैसे सीख सकते हो, ऐसे यही तो आर्ट है भाई कि मैं कैसे सीख रहा हूँ. ऐसे आई एम लर्निंग हाउ नॉट टू डू, बिकॉज लर्न करना आसान है, अनलर्न करना बड़ा मुश्किल है. एक और लास्ट में बस पूछता हूँ, आप ग्रेट, द ग्रेट लीजेंड जॉनी वॉकर जी के बेटे हैं, और आसपास आपने बचपन से बहुत सारे सितारों को, स्टार्स को साथ में भी देखा है. मैं एक वाक्य आपसे शेयर करता हूँ, बड़ा पर्सनल है. अभी कुछ 10-12 दिन पहले की बात होगी, मैं अपनी बेटी है मेरी 7 साल की और एक बेटी 12 साल की, तो मैंने ऐसे ही पुराने गाने सर्च कर रहा था, तो मैंने जॉनी वॉकर साहब का गाना सर जो तेरा चकरा है वो चलाया, क्योंकि मैंने अपने लिए चलाया, मुझे बड़ा पसंद था. लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद बच्चों ने उसको बार बार प्ले किया, तो वो करिश्मा उन लोग का था, इसलिए वाकई हमें उनसे सीखना चाहिए. ठीक है, तो ये तो मैंने अपना पसंद छेड़ा. लेकिन सर बहुत बार अभी फिर से ताज़ा शुरू हुई बात कि नेपोटिज्म बड़ा है और ये सब है. आप बींगे, क्योंकि इतने बड़े स्टार के बेटे हैं आप,
आपने इसको कैसे किया डील? मैंने डील नहीं किया, मेरे फादर ने डील बिकॉज़ जब मैंने काम शुरू किया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कहीं नहीं बोलने वाला, तुझे खुद करना है। वैसे मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं कि मैं जॉब करना बैठा हूँ, मुझे जो करना है मैं खुद से करूंगा। सिर्फ कि उसको बुरी तरीके से मत लें, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं। देगा नहीं मैं तुमको नहीं लूंगा, सर बोलेंगे बताता कुछ अभी थोड़ा कुछ निकलेगा तो डेफिनेट कॉन्टेक्ट, बिकॉज सिस्टम ही वैसा है तो आप इससे लड़ नहीं सकते। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। तो उनका ये था कि ना कोई बोलेगा नहीं, काम कोई देगा नहीं, तो बस गोल 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 घूमता रहेगा, बेटर है। तो मैं तेरा फादर हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ तेरी किस्मत बना सकता हूँ, तेरी किस्मत वहां है, जाओ झगड़ा करो, लड़ो, मिलती है वेरी गुड, नहीं मिलती है वेरी गुड, एटलीस्ट तुम्हें अफसोस नहीं है। हाँ, ट्राई किया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो नहीं है मेरे पास, ठीक है। डैडी का जो मकाम था, डैडी का जो नाम था, या बाकी और जो आर्टिस्ट्स हैं इंडस्ट्री में, आई मे नॉट बी एज फेमस एंड एज पॉपुलर एंड एज सक्सेसफुल एज देम, लेकिन मैं ये लिख के देता हूँ दैट आई एम मोर सेटिस्फाइड देन देम। ओके, तो जिंदगी में एट द एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फैक्शन है वही सक्सेस, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज दुनिया सभी के लिए सक्सेस अलग होती है। दुनिया को देख लो, जो स्पिरिचुअल गुरु है वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, राइट राइट, ये बड़ा दर्दनाक है। तो माहौल ऐसा है, देन फिर ये आपकी फैमिली पे, आपकी वाइफ पे, आपके घर पे, आपके बच्चों पे रिफ्लेक्ट करता है, एंड देन उनकी भी लाइफ वैसी हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना मिले बट बी हैप्पी। सो वो एक जिंदगी का सबक जो डैडी ने दुनिया को दिया है, वो हमें एज अ औलाद भी दिया है कि बेटा खुश रहो, बाकी तेल मालिश। ओके नासिर, थैंक यू वेरी मच। 13 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये जो बुरा करेक्टर वाला नागभूषण ये कैसा लगा और फिल्म कैसी लगी। फिल्म को ज़रूर देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट नासिर, थैंक यू। ये जो वीडियो आज का है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला भी था कि एक एक्टर को एक करेक्टर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना डिटेल में जाना पड़ता है, जो कि नासिर ने बताया। क्योंकि उनको जो करेक्टर प्ले करना था वो वैसा नहीं था जैसा उन्होंने अभी तक प्ले किया था, तो पर्सनल उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने उसमें इनपुट्स दिए, और इससे ही एक करेक्टर बहुत अच्छा उभर के आता है ऑन स्क्रीन और फिर ऑडियंस को पसंद आता है। तो आपको एकता फिल्म में इनका ये करेक्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नासिर भी देखें और खुश हों, उनको भी अच्छा लगे। एक एक्टर को हमेशा अच्छा लगता है जब पब्लिक का एप्रिसिएशन मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये सीखने को मिली कि कोई भी मीडियम हो, चाहे फिल्म हो, चाहे फिर टीवी हो, आपको सब में काम करना चाहिए। आपको बस एज ए प्रोफेशनल एक्टर लगातार काम करते रहना चाहिए, अलग अलग करेक्टर पर काम करते रहना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो उनसे सीखने को मिला वो ये, या कह सकते हैं जानने को मिला, कि नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जिन लोगों के पेरेंट्स इंडस्ट्री में हैं वो हमेशा, मैंने जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, सबने यही कहा है कि भाई हमने अपने बेटे से कह दिया था, या हमने अपने बेटे से कह दिया था कि अपने लिए काम खुद ढूंढो, हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो। क्योंकि ये सच वो भी जानते थे कि काम जब भी मिलेगा उनके टैलेंट के लिए मिलेगा और टैलेंट के अकॉर्डिंगली मिलेगा। एक और उन्होंने इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि लाइफ में सक्सेस बड़ी या छोटी नहीं होती, जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, हर किसी के लिए सक्सेस के पैमाने अलग हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसी लेवल के एक्टर या हीरो बने आप, लेकिन जो भी कर रहे हैं अगर उसको एंजॉय कर रहे हैं तो रियली ये सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सक्सेस है। मैं इस बात के लिए नासिर का वाकई शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल ओपनली नॉलेज शेयर की आप लोगों के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपने एक्चुअली आप लोगों ने इस वीडियो से क्या क्या सीखा और क्या क्या अब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, सेलिब्रिटीज़ ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में जो भी सीखा वो सब सिखाया, फिर मत कहना नहीं बताया।